वेलकम फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल की क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं और फिर हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपकी जीरो लेवल की क्लास होगी। जो कुछ बोर्ड पे लिखा गया है अभी ये मिटा दिया जाएगा। आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लें 30 सेकेंड के अंदर। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या एकेडमी पे करें, ये सब आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग देखेंगे आज जीरो लेवल की क्लास आगे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे गुणा करना। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल कैसे करते हैं यानी कि गुणा कैसे करते हैं। गौर से देखिएगा, नीचे आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। देखिए, गुणा करना आज हम बिल्कुल शुरू से देखेंगे। जैसे आप क्लास एक या फिर दो में देखे होंगे, है ना। आप देख रहे हैं कक्षा 4 की गणित, जो कि आपकी पसंदीदा किताबों के हिसाब से है। आप देख रहे होंगे गिनतारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। ये राष्ट्रगान इधर है, जनगण मन अधिनायक जय है। तो इसी किताब के आधार पर आपका ये चल रहा है गुणा करना, जो कि पेज नंबर 9 पे दिया गया है। हम शुरू से देखेंगे। अगर ऐसे दो नंबर का गुणा करना है, आपने पहाड़ा याद किया होगा, तो 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 3 बचे 15 हो जाता है। यहाँ पे 9 सवाल है, 9 तरह के हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी सवालों का अपना अलग रोल है और अपना अलग महत्व है। गौर से देखिएगा और सब कुछ समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी होगी। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरह कैसे करेंगे, ये तो बगल बगल गुणा कर लिया। ऐसे होता है तो क्या करते हैं, इसमें भी वही करते हैं। 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 बचे 15। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता, टेबल नहीं आता है, तो कमेंट करिएगा, हम आपको पहाड़ा याद करने की ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। आगे चले, 2 का पहाड़ा, अब देखिए ये अलग तरह से है, ये अलग था वो अलग है। इसमें क्या करते हैं, इससे अलग पहले हम एक आपको करके दिखा देते हैं, तब उसको दिखाएंगे कैसे। जैसे ये यहाँ पे है 1, अब कैसे होगा, 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे 2 आया ना, अब फिर 2 का पहाड़ा, ध्यान दीजिएगा, 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ा तो 2 आया, 2 हमने लिख दिया। अब 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 2 चौक 8, हमने 8 भी लिख दिया। समझ में आया ना, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग एक अलग तरह का सवाल देख लेते हैं, जो कि हमने नहीं लिखा अभी तक यहाँ पे, तो आप लोग इसे लिख लें। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3, वहाँ ये आप लोग इसे बना लीजिए 10वां सवाल। क्यों, क्योंकि 9वां तक वहाँ सब लिखा गया, 10वां देखिए जो अभी वहाँ लिखे हुए थे, ये उसी तरह का सेम टू सेम। इसको कैसे करेंगे, देखिए उसमें आपने देखा होगा कोई हासिल नहीं आया था, 2 + 1 = 2 लिख दिया, 2 चौक 8, कोई हासिल नहीं बचा। इसमें हासिल आएगा, 3 + 5 = 15, ध्यान दीजिएगा, 3 + 5 = 15, 15 ऐसे लिखा जाता है ना, 1 और 5, देखिए इसमें इकाई अंक है, दहाई अंक है, तो इकाई वाला जो अंक होता है उसको यहाँ लिख दिया जाता है 5। जो दहाई वाला अंक बचता है यानी कि 1 जो बच रहा है आपका, ये क्या होता है, हासिल हो जाता है। तो ये हासिल इसके ऊपर लाके लिख दिया जाता है। अब क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा 5 में हो गया, अब इस पे पढ़ेंगे, 3 चौका 12, और 12 में ये 1 जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। क्लियर, 3 × 5 = 15 = 5 carry 1 3 × 4 = 12 = 13। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, 3 टाइप का हो गया, 4 टाइप का ना, इसको देखिए, हर एक सवाल में अंतर है। इसमें हासिल नहीं आया था, इसमें हासिल आया, इसमें 0 आ गया, एक और बड़ी मुसीबत। ऐसे क्या करते हैं, किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पर 0 होता है और 0 में कोई भी हासिल नहीं बचता है। तो 9 का 0 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 हो गया, कोई हासिल नहीं, 9 हासिल, 7 9 का पहाड़ा 7 में, 9 × 7 = 63, है ना, 9 × 7 = 63 हो गया। अगला सवाल देखिए, ये अपने में ही अलग है, हर एक सवाल अलग अलग टाइप का है। इसका गुणा कैसे करेंगे, 4 का गुणा 4 में पढ़ेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 यानी कि 16 आप लोग जानते हैं 1616 ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें का जो इकाई अंक है इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 4 चौक 16, जो दहाई अंक है ये 1, ये इसके यहाँ पे छोटा सा लिख दिया, हासिल हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, बट यहाँ नहीं होगा, उसके जस्ट बगल वाले के ऊपर होगा हासिल ना भाई, ये इसके 0 के ऊपर होगा, 7 के ऊपर नहीं होगा। अब आपको 4 का टेबल किस में पढ़ना है, 0 में पढ़ना है, तो 4 का टेबल 0 में मतलब 4 का 0 में गुणा करना है तो 0 हो जाएगा, है ना, क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ध्यान दें, एक हासिल भी बचा है तो 0 को क्या करेंगे, उसी में हासिल जोड़ देंगे 1, तो जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा ना। क्लियर, यानी कि कितना आ जाएगा आपका,
कुल मिला के सब कुछ हल करने के बाद एक आ गया, सारी विपत्ति दूर। अब क्या करना है, चार का पाड़ा पड़ेंगे, सात में चार सत्य 28, यानी कि 4 7 28, इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 28, इसे पढ़ेंगे 2816। क्लियर। अगला सवाल कुछ अलग तरह का, ध्यान दीजिएगा, इसमें 98 31 का गुणा करना है 3 से, और इसे गौर से देखिएगा कैसे होगा। आगे से हट गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको जिसको लेना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे किसमें, 1 में, तो ये 3 एकम 3, ऐसे खींच लो भाई। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 में 3 8 24, 24 का 4 हासिल कितना आया 2, और 3 का पहाड़ा 9 में 3 9 27, 27 2 29। क्लियर। एक बात मैं आपको बता दूं जो आप लोग बोलते हैं, ठीक है, अगर कहीं बीच में कोई बात पे डिस्कस करने लगे, आपको आगे देखना है, तो आप लोग बिना उबे वीडियो को थोड़ा भगा लिया करें आगे, ठीक है ना, परेशान ना हुआ करें, हो गया ना ये, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ही करते हैं, जो आप लोग पूछे रहते हैं उन्हीं बातों को बताते हैं। अगला सवाल देखिए, ये हो गया, ये अलग तरह है, कैसे, अभी तक जिससे गुणा करते थे सब एक एक गिनती होती थी ना अंक, अब संख्या से गुणा करना है, डबल आ गया। इसमें दो तरह होता है, एक तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, और एक फिर आप या तो फिर दो लाइन में करें, तो पहले हम एक लाइन में करके बताएंगे सभी को, फिर दो लाइन में करेंगे। तो एक लाइन में आपको क्या करना है, 12 3 36 36 ऐसे लिखा जाता है, 3 और 6 है ना, इसमें का 6 नीचे आ जाएगा और यहाँ, और 3 आपका कैरी हो जाएगा, यानी कि हासिल है ना, तो 3 यहाँ लिख दो भाई इसके ऊपर छोटा सा। अब 12 8 96, ये तो होता है 96 3 99 का 9 हासिल आया, कितना 9 कैरी हुआ, और 12 9 108 108 में 9 जोड़ेंगे, 9 8 17 117, समझ गए, 11796। क्लियर। अभी इसको हम आपको दो लाइन में करके दिखाएंगे, जिन लोग को बाहर टेबल नहीं आता है उनको कमेंट करके बताइएगा, जिसको जिसको टेबल नहीं आता है, हम आपको 100 तक का पहाड़ा याद करने की ट्रिक बताएंगे। वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको पहाड़ा याद करने की लिंक मिल जाएगी, ट्रिक वीडियो की, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 13 का पहाड़ा पढ़े तो 13 का 0 में पढ़ेंगे तो 0 होगा, किसी भी गिनती का 0 में गुणा करने पर 0 होता है। फिर 13 का 9 में पढ़ेंगे तो देखिए, जिसको पहाड़ा नहीं आता, एक तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा, दूसरा तरीका एक देख लीजिए पहाड़ा बनाने का, कैसे भाई, हमें 13 का पहाड़ा 9 में पढ़ना है, हमें पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 13 का क्या करेंगे, ये 13 में 9 से गुणा कर देंगे, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से गुणा कर देंगे, अगर हमें पहाड़ा नहीं आ रहा तो 9 का पहाड़ा तो सबको आता होगा, 9 3 27 हासिल आया 2 9 1 9 2 11 3 9 117। क्लियर। तो 117 का जो 7 आ रहा ना लास्ट वाला इकाई अंक, वो यहाँ हो जाएगा, और जो 11 है वो आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 11 आपका इसके ऊपर आ जाएगा, 13 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 13 3 कितना 39, 39 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो आपको अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही वैसे तो ये 50 हो जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये 9 1 10 हासिल 3 1 4 1 5 50 है ना। क्लियर। जो इसका इकाई अंक है उसको आप यहाँ लाके लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, 13 का पहाड़ा 0 में पढ़ा 0, 13 9 117 के गड़बड़ हो रहा क्या भाई, 13 9 117 के यहाँ 7 होगा बाबू 7, ठीक। अब 13 3 39, 39 में जब 11 जोड़ा तो 50 का 0 हासिल कितना है ये 5, और 13 का पहाड़ा 8 में पढ़ना है, क्या होगा, 13 7 91, 13 8 104, 104 में आपका ये हासिल जुड़ जाएगा ये 5, तो 104 में 5 जुड़ेगा हो जाएगा 109। क्लियर। कोई कंफ्यूजन है, नहीं संकोच पूछ सकते हैं बिल्कुल, इसी तरह का आपका अगला सवाल भी हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है, इसमें 0 है ना, आप सोच रहे होंगे 20 का पहाड़ा नहीं आता, बड़ी प्रॉब्लम है भाई, नो प्रॉब्लम, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, पहले सभी 0 को लिख लो, ऊपर 3 0 है नीचे 1 0 है, सभी 0 मैंने उतार लिया, सभी 0 को उतार लिया, बहुत आसान है ये, 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ दो, 2 3 6, सबसे ज्यादा आसान है ये, जितना ज्यादा 0 उतना ज्यादा आसान सवाल है, बिल्कुल परेशान ना हो। जो सवाल आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही आसान सवाल है, आप देख रहे होंगे 9000 को 10 से कैसे गुणा करेंगे, अब भाई 8000 को 3000 से कैसे करेंगे, 800 को 2000 से कैसे करेंगे, और 1200 को 3000 से कैसे करेंगे। जीरो वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, जितने भी 0 है पहले जोड़ लीजिए, कितने 0 है, ऊपर 3 0 है नीचे 3 0 है, 6 0 है ना,
आप 60 यहां पे लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये 60 हमने उतार लिया, अब जो गिनती है उसका गुणा कर लो बस। 3 का पहाड़ 8 में 3 8 24। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि 8000 का 3000 में गुणा करेंगे तो 24000 हो जाएगा। इसमें देखिए ऊपर 3 0 नीचे 1 0, तो ये 4 0 यहां पे लिख लो फटाफट। 1 का पहाड़ 9 पढ़ देंगे, ये हो गया कितना 90000। ऐसे इसमें भी कर लेंगे, ऊपर 2 0 नीचे 3 0, 5 0 यहां पे आप लिख लीजिए फटाफट। लिख लिए 3 का पहाड़ा पढ़ दो 12 में 12 3 36। देखिए कितना आ रहा ना, सिकंडो में आ जा रहा है ये सब। इसमें 3 0 नीचे 2 ऊपर, 5 0 उतारो फटाफट, और 2 का पहाड़ा 8 में 2 8 16। समझ में आया ना, जल्दी से लिख लें। और हाँ, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग बीच बीच में रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर लिख लिया करें, या क्लास को थोड़ा पीछे करके देख लिया करें अगर कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर होता है तो, ठीक है ना। वीडियो बैक भी होता है, और जब ये लाइव होता है उस समय नहीं होता है, उसके बाद आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखेगा, वो लोग कमेंट करेंगे जो लोग वीडियो को डाउनलोड करते हैं, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आप पीबीआर स्टडी का वीडियो डाउनलोड करते हैं यूट्यूब में तो कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको क्लास रेगुलर मिलती रहे इसलिए हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, नहीं तो फिर हो सकता है आपको डाउनलोड करने का प्रतिबंध मतलब कर दिया जाए, आप डाउनलोड भी ना कर पाएंगे और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप लोग डाउनलोड करते हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। विजिट करें वेबसाइट pbrstudy.com। किसी भी समस्या को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, हम आपको टाइम टेबल का शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे, देख लीजिएगा कौन सी क्लास कब होती है। 0 लेवल की क्लास प्रतिदिन सुबह 5 बजे से होती है, ये क्लास आप बाद में भी कर सकते हैं, नया शेड्यूल आपका अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। 15 फरवरी से आपका नया शेड्यूल अपडेट हो चुका है, आप लोग उसे देखिएगा, क्योंकि पहले पुराना शेड्यूल चल रहा है डिस्क्रिप्शन में, जो कि क्लास उस समय पर नहीं होती है ना।